वही लोग हैं जो कोरोना के सेकेंड वेव के समय में या तो राज्य छोड़ के बाहर चले गए थे या घर के अंदर कुंडली में बंद थे। आप सब जो मीडिया के साथी थे, जो मीडिया के लोग थे, आप लोग तो दिन रात उन परिजनों से मिलते थे जिनके लोग अस्पताल में भर्ती होते थे। आप अस्पतालों के आसपास भी जाते थे। प्रतिदिन मैं मीडिया के मित्रों से मैं स्वयं मिलता था और किसी भी एक भी मीडिया के साथी ने पूरे कोरोना के सेकेंड वेव में मुझसे ये तो नहीं कहा कि किसी अस्पताल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, एक भी जगह कहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई हो, एक भी किसी मीडिया के मित्र ने नहीं कहा। 6 करोड़ लोगों को टीका देंगे और जो लक्ष्य हमने तय किया है वह उत्पादन को ध्यान में रख के ही किया है, नहीं तो हमारी तो क्षमता है कि टीका रहे तो हम 3 महीने में कर लें। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूं श्रद्धा। कोरोना काल की दूसरी लहर ने जो तांडव मचाया वह आप सभी ने देखा और आशंका बताई जा रही है कि तीसरी लहर भी आने को है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। सर, पहले आपका IVTV में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, तीसरी लहर आने को है सर, बिहार सरकार की तरफ से तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, दूसरी लहर में कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, चुनौतियाँ ये सब सामने आई थी और जो चुनौती सामने आए थे उसको हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया था, एक्नॉलेज किया और उसके अनुसार हम लोगों ने कार्य भी किया और आगे कभी उस प्रकार की कोई स्थिति पैदा होती है तो उससे कैसे हम निपटे, इसके लिए फ्यूचर का रोडमैप भी बनाया है और उस रोडमैप पे काम भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाया जाए, उसको प्रचुर मात्रा में व्यवस्थित किया जाए, उसकी उपलब्धता को। तो राज्य में 122 जगहों पे PSA प्लांट्स लग रहे हैं जो 31 अगस्त तक सब पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हमारे ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक लग रहे हैं जो मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन जिसके अंदर होते हैं, और 20 KL से लेके 60 KL तक के लग रहे हैं। तो ये सारी तैयारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो मानव बल की ज़रूरत है तो रिक्रूटमेंट का काम हो रहा है, चिकित्सकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, नर्सेस की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त जो संसाधनों को और बढ़ाना है अस्पतालों में तो संसाधन बढ़ाए जा रहे हैं, आवश्यक उपकरण भेजने के काम किए जा रहे हैं और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक कौन से छोटे बड़े उपकरण भेजे जाने हैं या उसके ऊपर के अस्पतालों में, वो सारे उपकरण भेजने का काम भी चल रहा है। इसके अलावा आधारभूत संरचनाओं को भी ठीक किया जा रहा है। हमारे CSC और APSC, HSC, ऐसे सेंटर्स जिनको ठीक करना है वो सारे अस्पतालों के लिए टेंडर निविदा भी प्रकाशित कर दी गई है। बच्चों के विषय में थोड़ा विशेष चिंता करना है तो NICU, PICU, SNCU जो ऐसे यूनिट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करने का काम चल रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने अभी कोविड से लड़ाई के लिए 23,000 करोड़ रुपए का एक अलग पैकेज लाया है। उसके तहत भी कई प्रकार के आधारभूत संरचनाओं को अस्पताल के अंदर बेहतर करना है, ICU बेड्स बढ़ाने हैं, पेडेट्रिक्स यूनिट्स के अंदर बेड्स बढ़ाने हैं, गैस पाइपलाइन देना है, एम्बुलेंस की व्यवस्था को ठीक करना है, जो टेलीमेडिसिन का सिस्टम है उसको और स्ट्रेंथन करना है। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सारे कार्यक्रम करने हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो फैसिलिटीज़ देनी है वो काम करने हैं। तो उन सारे चीज़ों का डिटेल प्लान बन गया है और भारत की सरकार से उसकी पहली किस्त की कुछ राशि भी प्राप्त हो गई है। तो भारत की सरकार भी बहुत ही गंभीरता के साथ पूरी तैयारी के लिए आवश्यक निर्देश भी दे रही है और संसाधन भी उपलब्ध करा रही है। हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 3rd वेव की तैयारी कर रहे हैं। सर,
सेकेंड वेव में ऐसा देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लड़खड़ा गई थी, और ऐसे में केंद्र की तरफ से बोला जा रहा है कि जितनी भी मौतें हुई उसमें ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई थी, जिसको लेकर के सदन में बहुत ज़्यादा घमासान भी चल रहा है। सर, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये घमासान करने वाले कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो कोरोना के सेकेंड वेव के समय में या तो राज्य छोड़ के बाहर चले गए थे या घर के अंदर कुंडली में बंद थे। आप सब जो मीडिया के साथी थे, जो मीडिया के लोग थे, आप लोग तो दिन रात उन परिजनों से मिलते थे जिनके लोग अस्पताल में भर्ती होते थे। आप अस्पतालों के आसपास भी जाते थे। प्रतिदिन मैं मीडिया के मित्रों से मैं स्वयं मिलता था, और किसी भी एक भी मीडिया के साथी ने पूरे कोरोना के सेकेंड वेव में मुझसे ये तो नहीं कहा कि किसी अस्पताल में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, एक भी जगह कहीं ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हुई हो। एक भी किसी मीडिया के मित्र ने नहीं कहा। इसलिए आप लोगों ने नहीं कहा कि ऐसा हुआ ही नहीं था। यदि ऐसा हुआ रहता तो आप लोग हमसे उस समय जरूर पूछे होते। तो जो लोग उस समय सड़क पे थे, जो अस्पतालों के आसपास थे, जो मरीजों के परिजनों के पास थे, उन लोगों को वो चीज़ें नहीं दिखाई पड़ी जो बातें आज वो लोग कह रहे हैं जो उस वक्त राज्य छोड़ के बाहर चले गए थे या घर के दरवाजों के अंदर बंद थे। अब जब संसद का सत्र शुरू हुआ है तो अब संसद में आके उनको ये सब बोलने को मिला है, नेतागिरी करने का अवसर मिला है। नेतागिरी करें वो लोग, हम लोग को सेवा करना है। उस वक्त भी सेवा कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। ये बहुत कटु सत्य है कि बिहार के अंदर किसी भी सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल के किसी भी बेड पर कभी भी ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित नहीं हुई थी। सर, बात अगर टीकाकरण की करें तो अक्सर ये देखा जा रहा है कि कोवैक्सीन सर वो आउट ऑफ स्टॉक चली जा रही है। लोगों को लेना होता है कोवैक्सीन, लेकिन मजबूरी बस लोगों को कोविडशील्ड लेना पड़ जा रहा है। सर, आपको नहीं लगता है कि वैक्सीनेशन का जो दर है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम पड़ जा रहा है? देखिए, कोई ज़बरदस्ती किसी के लिए नहीं, ऑप्शन सबके लिए। आज 3 वैक्सीन का ऑप्शन है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है। आगे आने वाले 2-3 महीनों में और 3-4 वैक्सीन आने की संभावना है। तो जिसको जो मन करेगा वैक्सीन लेगा, लेकिन हमारा टारगेट ये है कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लें, और जितना उत्पादन हो रहा है देश के अंदर उसको तुरंत विभिन्न राज्यों में भेजकर टीकाकरण किया जा रहा है, और उत्पादन की क्षमता भी लगातार बढ़ाई जा रही है। बिहार में भी आप देखिएगा, जितना मई में टीकाकरण हुआ उससे अधिक जून में हुआ, उससे अधिक जुलाई में हुआ, इससे अधिक अगस्त में होगा। चूंकि टीका का उत्पादन बढ़ेगा तो आपूर्ति बढ़ेगी, आपूर्ति बढ़ेगी तो टीकाकरण ज़्यादा होगा। ये चेन है, और इस चेन का अनुरूप हम काम करेंगे। और बिहार ने तय किया है 6 महीना में 6 करोड़ डोज देना है हमको, 6 करोड़ लोगों को टीका देंगे। और जो लक्ष्य हमने तय किया है वह उत्पादन को ध्यान में रख के ही किया है, नहीं तो हमारी तो क्षमता है कि टीका रहे तो हम 3 महीना में कर लें। लेकिन 3 महीना में इतनी बड़ी देश की आबादी को टीका देना सामान्य बात नहीं है। 130 करोड़ से अधिक की आबादी है, तो संपूर्ण देश के लोगों को टीकाकृत करने का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिसंबर के महीने तक रखा है, हम लोगों ने भी बिहार में रखा है, और हम लोग इसको पूरा करेंगे। अंतिम सवाल सर, मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होने वाला है। विपक्ष जो है वह तैयारी में है कि कैसे सदन में घेरा जाए, तो सर इसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है? ये विपक्ष तब ना घेरता जब जनता के बीच रहता। विपक्ष को कुछ भी बोलने का नैतिक अधिकार तब रहता जब कोविड के सेकेंड वेव में या फर्स्ट वेव में जनता के बीच जाके वो लोग सेवा किए रहते, लोगों को अस्पताल पहुंचाए रहते, लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद किए रहते, प्रारंभिक चिकित्सा में कुछ सहयोग किए रहते, कहीं से किसी प्रकार का मदद किए रहते। किया इन लोगों ने क्या? रूम में बैठ के ट्वीट करते हैं, रूम में बैठ के बिहार से बाहर जाके फेसबुक पर अपना पोस्ट करते हैं। कुछ 2-4 नेता हैं जो अखबार में प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं व्हाट्सएप पे। तो ये ऐसे करने वाले लोग, जिन लोगों का जनता से कोई नाता रिश्ता नहीं रहा, जिन लोगों ने जनता के बीच जाके ना तो कुछ देखा ना समझा। मैं तो अस्पतालों में जाता था, मैं तो मरीजों से मिलता था, इस सेकेंड वेव में भी मैं पीपीई किट पहन के जाता था। तो काम तो मैंने किया, तो मैं ना बोलूँगा, वो लोग क्या बोलेंगे? तो
तो आपने देखा हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी थे, हमने इनसे बात किया तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है बिहार सरकार की तरफ से। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ।